Assalamualaikum, Namaste, Sasikal, Vadakam, Namaskaram. Kaise hain aap sab? Umeed dua prata hamesha aapke saath aur hamesha rahegi. Sabse pehle main kahungi subscribe my channel, bell icon ke button ko press kare. Isse kya hai ki meri video aapko on time nazar aayegi, notification milega. And ab jaate hain hum Salman Khan aur Katrina Kaif ke ek bahut dhamakedar aur bahut hit hone wale gaane jiska naam hai Leke Prabhu ka naam. टाइगर थ्री आप सबको पता है कि मतलब यू नो इतना इंतज़ार हो रहा है टाइगर थ्री का. और साथ ही साथ मैं कहूँगी, पहले तो मैं बता दूँ कि टाइगर थ्री जो है वो 12 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है. इसका गाना जो है अभी हम सुनेंगे, और ये गाना किसने गाया है इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं. लिरिक्स जो हैं वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, भट्टाचार्य, और सिंगर्स हैं अरिजीत सिंह और नचिता गांधी. यार आई लव हर वॉइस बाय द वे, दोनों ही बेस्ट कॉम्बो है. अरिजीत सिंह की तो क्या ही बात है. एंड मिस नचिता गांधी लाइक वो भी हल्के में नहीं है, बहुत उनकी आवाज़ भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी पर्सनली आवाज़. और अब मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ कि गाना तो गाया है यशराज फिल्म की स्टूडियो में. ये गाना जो है मिक्सड बाय विजय डायल. और अब चलते हैं गाना जिस कास्ट सुपर डुपर कास्ट के ऊपर है, सलमान खान एंड कैटरीना कैन. तो लेट्स गो. ये कंपोज आई थिंक या प्रीतम ने किया. Stop.
मैंने ये गाना इतना इंजॉय किया आई डोंट नो व्हाट इज गाना यू नो मुझे ऐसे दिल चाह रहा था कि मैं उठूँ और मैं डांस करूँ बट मुझे मेरी नज़र स्क्रीन पर रखनी थी क्योंकि स्क्रीन पर जो व्यू था और जो सीनरीज आ रही थी और जो कैटरीना कैफ की डांसिंग मूव्स थे और जो सलमान खान साहब का और सलमान खान सर का स्टार था चलने का मूव्स डांस यार सलमान खान तो लगता है सबसे हट के डांस करते हैं लेकिन इनके डांस में मुझे बहुत ज़्यादा ना स्वाग नज़र आता है एंड नो डाउट यार आप एक कितनी एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज का हिस्सा है मतलब देखा जाए 300 करोड़ की ये मूवी है यशराज की सबसे एक्सपेंसिव मूवी अगर तीनों टाइगर जिंदा है एक तो टाइगर जिंदा और टाइगर तो मुझे लगता है कि ये ऐसी जो है बन जाए मतलब लाइक ऑनेस्टली यार मैं तो कसम से सोच रही हूँ हज़ार करोड़ की तो फ्रेंचाइज हो गई होगी ये एंड द मेन थिंग इज कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन ऑफकोर्स ऑफ स्क्रीन तो आप नहीं कह सकते हैं जो भी क्योंकि वो तो विकी कौशल का बुरा लगता है ना लेकिन यार लेके प्रभु का नाम इतना अच्छा गाया गाना एंड मूव बहुत अच्छे हैं और जो सीनरीज है और वो जो टच है ना वो जो टच है जोया का और टाइगर का वो टच मुझे बहुत मज़े का लगा एंड आई नो कि आपने भी गाना एंजॉय किया और ये गाना बहुत बजने वाला है मतलब बजने वाले से हर जगह बजने वाला और सुनने वाले हैं और सलमान खान सर की जो मूवी है टाइगर जिंदा सबको लेके बहुत ज़्यादा मुझे खास तौर पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ जब से टीजर आया तब से 12 नवंबर को फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा ये मूवी जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मनीष शर्मा और कबीर खान ने भी मूवी डायरेक्ट की थी एक तो टाइगर जिंदा है की एक तो टाइगर की थी कबीर खान ने टाइगर जिंदा अली अब्बास ने की थी एंड टाइगर 3 जो है वो मनीष शर्मा कर रहे हैं तीनों ही अपने आप में दमदार डायरेक्टर डेफिनेटली सलमान खान सर की तो फिर बात ही और सो गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा कौन कौन एक्साइटेड है सिनेमा में कौन कौन जाएंगे फर्स्ट शो देखेगा और सलमान खान भाई जान के फैंस नीचे कमेंट क्लास भी करें कि उनको गाना कैसा लगा सो टेक केयर बाय एंड लव यू ऑल